तो एप्पल ने निकाल दिया अपना एक नया स्मार्टफोन iPhone SE, और सारे यूट्यूबर्स कह रहे काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ख़रीद लेना चाहिए। वेल पर्सनली मेरे को लगा नहीं कि ये फ़ोन ख़रीदने लायक होगा। इस फ़ोन को सिर्फ दो लोग ख़रीदने वाले हैं, एक जो एप्पल फैन बॉय थे जो लोग अभी तक आईफोन नहीं ख़रीद पाए थे, दो वो लोग जो फॉर सेक ऑफ कॉम्पैक्टनेस ख़रीदने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्यों ये फ़ोन आपको नहीं ख़रीदना चाहिए और कुछ कारण जो मेरे को लगता है कि ये फ़ोन ख़रीदने लायक नहीं है। इनफैक्ट आपको iPhone XR ले लेना चाहिए बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा मनी। वेल या गाइस, मेरा नाम है ऋषभ। आप लोग देखो चैनल वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। विद दैट बीइंग सेड वीडियो स्टार्ट कर। ओके, तो फिर iPhone SE, जैसा कि मैंने कह दिया क्या है ये, बेसिकली सब यूट्यूबर्स ने आपको बता ही दिया होगा क्या है, बट मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं है इसके अंदर। सबसे पहली बात, लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा बेस्ड अपॉन कि इसका प्रोसेसर कौन सा है एंड इसका कैमरा कौन सा है। वेल द फ्रंट कैमरा इज द सेम 7 मेगापिक्सल सेंसर, जो कि मेरे को ज़्यादा कुछ अपग्रेड लग नहीं रहा। बैक कैमरा कह रहे हैं बेस्ट सिंगल लेंस वाला सेंसर होने वाला है, विच इज़ नॉट क्वाइट अ बिट टाइटल टू होल्ड। लाइक अभी अगर आप देखो 2020 के अंदर कितने ही फ़ोन हैं जिनके अंदर सिर्फ एक कैमरा लेंस है, ऑलमोस्ट नन एक्सेप्ट फॉर द iPhone XR। ऐसा कोई भी और ऐसा फ़ोन नहीं है फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर जिसके अंदर सिर्फ एक कैमरा है। आई गेस गूगल पिक्सल 4a के अंदर था, तो फिर ये जो कैमरा होने वाला है गूगल पिक्सल 4a या 3a जो भी था, जो भी वाला जो करेंट जो भी बजट फ़ोन है गूगल पिक्सल 4a, 4a से थोड़ा सा बेटर होगा, iPhone XR से बेटर होगा। तो ये एक बात होगी क्लियर आउट ऑफ द वे कि थोड़ा सा बेटर होने वाला है कैमरा। बट देन जो सेकेंड इसका हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका प्राइस। वेल बाहर के देशों में आया 32,000 का, बट इंडिया के अंदर ही आएगा 42,000 का। और मेरे को लगता नहीं कि अगर आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर एक ऐसा डिस्प्ले मिल रहा है विच इज़ 4.7 इंच। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में जाकर लिखेंगे कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है A13 Bionic, तो उस समय परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है, ये फलाना ढिमकाना। वेल सी, मेरी बात सुनो, तुम एक लैम्बोर्गिनी का इंजन उठा के एक काफ़ी पुरानी मर्सिडीज़ के ना डाल रहे हो, ठीक है? बहुत पुरानी मर्सिडीज़ है ये, इट्स लाइक CLA 2001 के मॉडल के ना तुम डाल रहे हो, तो फिर ये कुछ मज़ेदार मैच नहीं होगा। क्योंकि पहली बात, तुम्हारे पास बहुत अच्छा प्रोसेसर है, तुम्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बट तुम इस परफॉर्मेंस का यूज़ कहाँ करोगे जब तुम्हें मीडिया कंज्यूम करने में ही मज़ा नहीं आएगा? मुझे ज़रा बताओ, अगर तुम एक 4.7 इंच का फ़ोन ले रहे हो और तुम उसके अंदर पबजी खेले, तुम्हें मज़ा क्या आएगा? जो कि तुम iPhone XR या फिर आईफोन कोई अलग आईफोन है, फिर उसी सेम प्राइस पॉइंट के अंदर अगर तुम कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो, हाँ परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मैं इस पर मना नहीं कर रहा, बट वो कंज्यूम करने में कहाँ मज़ा आएगा उतना? उसके बाद फिर अगर मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, नॉर्मल डे टू डे टास्क करो, तो फिर इतने छोटे से स्क्रीन के अंदर कहाँ मज़ा आता है? प्लस ये AMOLED भी नहीं है, ये IPS LCD है। तो फिर ये एक लगा मेरे को कारण कि इस फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है इसका डिस्प्ले। अगर हाँ ये लोग वही सेम चैसी लेते हैं ऑफ द iPhone X, छोटा वाला iPhone X, द नॉर्मल iPhone X जिसे तुम कहते हो, जो सबसे पहले ऐसा नॉच वाला फ़ोन आता है, वो वाला ये लोग डिज़ाइन ले लेते और इसके अंदर फिर अपना वो डालते, छोटा एक छोटा सा LCD वाला फ़ोन, तब मेरे को ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता। बट बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले मेरे को ये फ़ोन बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगा इस प्राइस पॉइंट के अंदर 42,000 के अंदर। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना, क्योंकि उसके अंदर मेरे को मीडिया कंज्यूम करने में मज़ा भी आएगा, तो वन प्लस का कोई फ़ोन ले लेता मैं। बट एट दी एंड मैं वीडियो को समअप करना चाहता हूँ एक बात से कि 2020 सही में बहुत ज़्यादा अजीब साल है। पता नहीं क्या हो रहा है कंपनीज़ को, वन प्लस निकाल रही है फ्लैगशिप फ़ोन और एप्पल निकाल रहे हैं द सो कॉल्ड बजट फ़ोन विच स्टार्ट्स एट फ्रीकिंग 42,000। लाइक 42,000 का कौन सा सस्ता फ़ोन होता है ये, मुझे बता देना। बट दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको पता चला होगा थोड़ा बहुत कुछ iPhone SE 2, जो कि आपको बाकी यूट्यूबर्स नहीं बता रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं अच्छा फ़ोन है, उनको कहने तो मैं कौन हूँ कौन रोकने वाला, बट स्टिल दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरा नाम ऋषभ, आपने देखा भी मेरी वीडियो भी, तो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाद में फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड माय मेन पेज एंड माय टिकटॉक अकाउंट, लिंक्स टू ऑल द अकाउंट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। बाय द वे मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है।